गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद आप सब ठीक हो गए ईश्वर के लिए और आप लोगों की दुआ से हम सब भी ठीक है। आज देखो, आज कितनी हो गया, सेवन्थ है ना। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली लेने जाने हैं अंश को। तो अंश की नाइट की फ्लाइट है, वो मतलब एक के आसपास लैंड करेगी उसकी फ्लाइट, तो तब तक हम पहुँच जाएंगे। और अभी हम 6 बजे निकल रहे हैं, तो वहाँ पे अभी के कुछ काम है, उससे पहले वो कर लेंगे, थोड़ा घूम लेंगे और चलो लेने चलते हैं। अभी तो अंश को बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ हो रहा है, मेरे पेट में जैसे होते हैं ना ऐसे कुछ ऐसे से हो रहा है एक्साइटमेंट के कारण, है ना। और मौसम बहुत अच्छा है, ठंड है थोड़ा, तो बस जस्ट अभी हम निकलेंगे। तो चलो भाई आ जाओ चलते हैं। जी पहले जी ऑलरेडी दबाओ आ जाओ। तो अरे गलती होगी, मैं ना ये लेके नहीं आई ऑल्टो की चाबी, ना ऑल्टो पार्किंग में। तो चलो आप गाड़ी में बैठो, तब तक मैं आ रही हूँ। तो 6 बजे अभी काफ़ी डार्क हो जाता है। आरू को एकेडमी आज भी मैंने भेज दिया था कि चलो इसका नागा ना डले, इसको दिक्कत होती है नागा डलते ही। फिर हम जल्दी से ले आए थे, बाकी दिनों की तरह ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था। ऑलरेडी मैंने एक सौ बाहर खड़ी कर दी थी, पार्किंग अब खाली है, होप सो कि कोई और ना लगे। फिर कुछ नहीं बोले, मतलब चलते उसको। हाँ यहाँ पे घर पे नहीं, अब की बार कहीं और बना रहे हैं, लापिनोज पे बना रही है ना इधर। तो गाइज निकल गए हम ठंडा काफ़ी, और बहुत एक्साइटमेंट हो रखी है अंश के आने की। वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बोल रहा था मम्मा बस जल्दी से आ जाओ मिल लो मेरे से। फर्स्ट स्टॉप इज हमारा पेट्रोल पंप सेक्टर 20 पंचकुला। यहाँ से गाड़ी एक बार फुल करा लेंगे। देखो जी चिल्ला रहा भाई, देखो जी देख लिया भैया। इसमें डीजल काफ़ी कम था इस टाइम, लॉन्ग ड्राइव के लिए खास के उठाते हैं, तो डीजल काफ़ी कम था, तो डलवा लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद में फ्री होके चलते रहेंगे। कितनी मोटी लग रही हूँ मैं इसमें, तो इस वाली ड्रेस में बहुत मोटी लग रही है। मम्मा ने ऐसी बैगी वाली तभी नहीं डालते, इसमें बहुत ज़्यादा खुले खुले ऐसे मोटे मोटे लगते हैं। अरे ठीक हो आप, पीछे ठीक हो, क्या खा रहे हो? आपके रोजर सर को बताना पड़ेगा कि ये बाहर का बहुत खाता है, इसीलिए इतनी बड़ी टमी हो गई इसकी। और आज कितना वेट था आपका रू? 44। लेकिन आपकी एज के अकॉर्डिंग 44 बहुत ज्यादा है बेटा। नहीं लेस का कभी नहीं होना चाहिए, इतना ओवर वेट है आप, आपकी टमी निकल गई है। देखते हैं कितने का भरेगा, कुछ तो था पहले भी। वो चिट्ठियां ले जाना, एक बार बात कर ली थी क्या ललित से? ऑलमोस्ट पूरा 5 पे कटा है। टैप कर लो भैया, हो गया, थैंक यू। पता नहीं क्या सिस्टम है, एक टायर में हवा कम ही बताता रहता है, कितना है रूटीन तो कम है। 35 35, तो उस वाली जगह हमारा 34 चलो 34 करवा लो। तो वहाँ पे हमारा नंबर नहीं आया था, तो इन्होंने यहाँ आगे बुला लिया, एक बार पंक्चर चेक करा लेते, बार बार इसकी हवा कम हो जाती है। और उनको मैं पीछे सुला दिया है। वापसी में अंश भी रेस्ट कर लेगा। चलो गोगू, अब गोगू को गाने पसंद नहीं आ रहे और मैं कुछ और लगाने नहीं दे रही। तो अभी हम अम्बाला पहुँच गए ना, अम्बाला पहुँच गए, अभी इस पोजिशन पर खड़े हम। अरे को थोड़ा सेट किया, कंबल उम्बल दे के इसको, अब वो रिलैक्स होके सो जाएगा। आज रात के 11 बजे और हम अभी इस राइट टू कंटिन्यू ऑन बालसवा फ्लाईओवर रिंग रोड क्रॉस कर दिया। ये देखो ऊपर है मेट्रो, मेट्रो स्टेशन। तो गाइस टाइम हुआ 11:40 और हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, मतलब उसके आसपास ही है। तो हमने पहले ही गाड़ी पार्क कर दी है, अभी जैसे ही अंश की फ्लाइट लैंड करेगी वो हमें कॉन्टेक्ट करेगा। तो यहाँ से 5-7 मिनट के वे पे हम, तो कौन से टर्मिनल पे हमें जाना है वो तब बताएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। तब तक के लिए रेस्ट करते। आरू पीछे है तो आरू सो लिया काफ़ी, अभी थोड़ी देर पहले ही उठा है। और गोगू को मैंने बोला रेस्ट कर लो तब तक, क्योंकि वापस भी जाना है गोगू। मेरे को पहले से ही पता था इनका फ़ोन चालू हो जाएगा जैसे ही हम दिल्ली पहुँचेंगे। तो देखो थक तो जाएंगे वापस जाते हुए। अब हमने सोचा है कि जब वापसी में अंश जाएगा, वापस ऑस्ट्रेलिया जाएगा, तो हमने चंडीगढ़ से यहाँ दिल्ली तक की उसकी फ़्लाइट बुक करवा देनी है, यहाँ पे छोड़ने नहीं आएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा पड़ जाता है, आने जाने में बड़ा दिक्कत होती है फिर।
ये हमें लेट थोड़ा सा दिमाग में आया कि उसकी हम फ्लाइट यहाँ से भी करा सकते थे आगे, बट अब वो यूँ था ना कि मन बनाया हुआ था कि मम्मा पापा लेने आएंगे तो हम आगे, तो चलो नेक्स्ट टाइम से करते हैं ऐसे। तो ये फ्लाइट रडार खोला हुआ है अमित ने, और ये देखो हवाई जहाज लैंड कर गया लैंड, ये देखो यार। तो ये फ्लाइट रडार से ना अमित तब से ट्रैक कर रहे हैं इसकी फ्लाइट का, फाइनली लैंड कर गया। चलो अब हम चलते हैं लेने, ठीक है पप्पू सोए थोड़े शायद थोड़ा बहुत है ना, और यार वो पीछे सो रहा है, हमने फ्लैट कर दी पीछे वाली पूरी सीट, तो मैं भी उस पर लेट गई थी, अमित भी आगे थोड़ा सा सीट को थोड़ा सा पीछे करके थोड़ा सा लेट गए थे, और अब अंश को भी हम कोशिश करेंगे पीछे अपने आराम से रेस्ट कर लेगा। तो बस अब लैंड कर गया लेने जाएंगे, एक सेकंड दिखा देती हूँ मैं अपनी, तो बड़ी खुशी हो रही है, गुदगुदी सी हो रही है मेरे तबीयत में, वैसे लग रहा ना बस जल्दी से दिख जाए। तो ये टर्मिनल 3 में हम पहुँच गए, ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, बट अभी अंश फ्री नहीं हुआ है तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं, तब तक हो जाएगा, क्यों बाबू इतना सुंदर बना रखा है ना एयरपोर्ट, इधर से साइड से देखो जैसे पुराने राजा महाराजाओं का घर हो। और ये देखो फाइनली हम पहुंच गए, अंश इतना एक्साइटेड हो था कि वो दूर से ही ऐसे भागा आ रहा था, गाड़ी से उतरने का मौका ही नहीं दिया उससे पहले मेरे पास आ गया गन लेटा तो नहीं जाएगा मेरे से, तो लेट नहीं सकती मैं बड़ा हो गया तो बड़ा नहीं होना था। तो हम आए अमरीक सुखदेव क्योंकि सबको भूख लग रही है, सुबह के बज रखे 4, सुबह के 4 बज रखे हैं और भूख लग रही है, फिर मैंने कहा चलो खा ही लेते जाके सो जाएंगे। तो आयुष ने अभी जैकेट वगैरह डाल ली, शॉर्ट में टी शर्ट में आया हुआ था, प्यारे पापा बेटे भैया। इनको पता नहीं है कि मैं इनका फोटो नहीं वीडियो बना रही हूँ। तो ये आ चुके हैं पराठे, अरु तो बर्गर ही खा रहा है अभी भी, आयुष ने तो पनीर पराठा लिया है ना, पनीर पराठा लिया ना बेटा, पापू ये मैं खा लूँ। तो ये देखो और उन्हें चॉकलेट पेस्ट्री मंगाई है, बर्गर मंगाया पर इसने खाया ही नहीं, बोला नहीं चाहिए। ये किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है यहाँ मुठल के ढाबे पे। तो सब थक के अभी काफी टाइम से आइंश लगा हुआ है ड्राइव करने, और ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले, अम्बाला क्रॉस कर चुके हैं, बस सब तो नजदीक आ गए। तो गाइस कल गुड इवनिंग थे, आज गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग पे एंड करेंगे आज ब्लॉग का। हम पहुंच चुके हैं हमीरपुर है, हाँ हमीरपुर है, तो ऑलमोस्ट वहाँ आ चुके हैं, नहीं डेरा बसी तो जा चुके हैं बेटा, पीछे से जहाँ से यू टर्न मार के आए हैं, हाँ वो डेरा बसी है, पूरे एरिया डेरा बसी है। ना ना ना, तो ये मेरा चिंतित चिंतित बेटू आ गया, और बस अब जाके हम कोई चाय कॉफी पिएंगे और उसके बाद रेस्ट करेंगे। जो गिफ्ट्स लाए वो देखेंगे, सबसे पहले सबसे पहले अरु देखेगा, अरु वेट कर रहा है, सॉकर बॉल, सॉकर एक्सेसरीज, भैया क्या उसी फुटबॉल एक्सेसरीज लाए हैं, तो बच्चा क्या लाया भैया, पापा उधर जाके करेंगे, पापा आल्सो डजंट नो व्हाट भैया इज थिंकिंग, सबके लिए सरप्राइजेस है, मतलब सब मेरे को बाकी लोगों को गिफ्ट का पता है पर मेरे गिफ्ट क्या है वो मुझे नहीं पता है, मैंने कुछ सरप्राइजेस रखे हुए हैं छोटे छोटे के लिए, तो आई होप कि इसको वो साइज फिट आ जाए। हाँ ताओ छुट्टी मारनी है, मारना तो जाता हूँ, ये क्या है, मैं तो वीकली टेस्ट में भी मार सकता हूँ, हाँ पर वो फोटो के लिए कंपलसरी है ना, तो चलो जरा
आना ही पड़ेगा इसको। मार लो, स्कूल से होते हुए गुजर रहे अभी हम। फूड तो कंपलसरी नहीं है, मतलब अगर कोई बच्चा जा भी आए ना, मतलब मैम तो बोलना चाहता था कि आना तो है इसको, पर उसका मतलब ये आप क्या चाहते हो मेरे को बता दो बस। चलो मार लो फिर, ठीक है? तो क्या कर सकते बेटा दो दिन मेरे बेटे, दो दिन के सफर के बाद में भी खुद ही ड्राइवर के आ गए। ये देखो, आ जाओ पाजी। कैसा लग रहा है इसको आके? बढ़िया लग रहा है यार। चलो टिकट वापसी की करा देते हैं अभी, पहले ही हो रखी है भाई। तो हम पहुंच गए अपनी सोसाइटी। तो मैंने यार अंश को डरा दिया, मैंने कहा आपके रूम में तो है ना, आपके रूम में तो जगह ही नहीं है बैठने की, हमने तो स्टोर बना दिया उसका। तो कह रहा एक कोना तो होएगा, मैंने कहा नहीं बेटा ठीक नहीं कर रखा। तो अभी हम घर आ चुके हैं और आते ही सबसे पहला काम अंश हमारे गिफ्ट लाया है, जो कि इसको एक्साइटमेंट हो रही है सबको देने के लिए और हमें भी हो रही और किया लेने के लिए। हम सारे गिफ्ट्स के भूखे ऐसे बोलते रहते थे, मत लेके आना मत लेके आना। ये वैसे कुछ भी नहीं है, ये सारा गिफ्ट्स मतलब ईश वॉर के। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हमारे गिफ्ट निकलेंगे इस साइड से। आओ, है ना, ये पापू के शूज। अरे वाह, इतने सुंदर है ना। दो गिफ्ट आए तो पहले ऐसे बॉक्स में अच्छा, ये आपका फोटो है ना जो आपने डीपी पे भी लगाया है, सुंदर है ना। यहाँ रख लो, चलो ये वाली खोली लो। अरे बॉक्स, ये मेकअप वगैरह का कुछ है? हाँ, मेकअप बॉक्स है। मेकअप बॉक्स है, कितना सुंदर है ना। बहुत ज्यादा प्यारा, सस्ता भी पड़ा था, बहुत ही सुंदर। और कितना सुंदर वो फोटो, सबसे ज्यादा ऐसे आर्ट इसमें ज्वेलरी हो गई शायद, देखा इसमें बेटू का फोटो भी सबसे प्यारी चीज। देखा, एक फोटो पापा को दे देना, एक फोटो रख लेना, दिखा ना। ये सबसे प्यारी चीज यही है कि जो एकदम से दिल को छू जाती है। रे ओ, बहुत प्यारी लग रही है ना। चलो वो सुन, तो आए कितनी सुंदर है, देखो लगा के देख लो। वाओ, देखो मम्मा का गिफ्ट, सब अपने अपने गिफ्ट दिखाओ। अरे वाह, ये आपके गिफ्ट रे। ओए रे, क्या लिखा है? जूते लाए आपके। ओए रे, बोले पापा के लिए क्या लाए, देखो क्या, देखो ये देखो मेरे दो शूज आए। टेरे टेरे ब्यूटीफुल, ये मेरे हमेशा पर्स में रहेगा। पापा को दे दो, एक खुद रख लो। पापा को दे देती हूं। अच्छा बन रहा है तो अब अंश दिखा रहा है अरु को अरु का गिफ्ट, मोस्ट प्रोबेबली फुटबॉल या ये क्या बेटा, ढंग से पकड़ो, क्या चीज है रू? अरे बेटा देख के देख के, कैसा लग रहा है आपको? आप बोले नहीं है, आप बताओ क्या है, ऐसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है रू को? इतना महंगा आया था ये? नहीं महंगा तो है, पर भैया ने आपके लिए खरीदा है, देखो अपने पैसों से। इसको देखो ध्यान से, रख दो कहीं, अंश संभाल के, गिर जाएगा। गिर गया, गिर गया, गिर गया, गिर गया, गिर गया, बच गया। इसे कंट्रोलर बैग में पड़ा, ले लेना। कैसा लगा रुको सरप्राइज, पापा को बताओ। आपके पता लग रहा था कि PS5 आएगा आपके लिए? मैंने मम्मा को इतना बोला, इन्होंने बताया आपके जूते पहन के बताओ। और आपको कितना बड़ा गिफ्ट मिला, इतना एक्सपेक्टेड था? सबसे पहले मैंने यही सोचा था, उसके बाद मम्मा ने यही बोला। बहुत सुंदर गिफ्ट है, कि आप गंदे तो करने वाले हो ही।
एक मैंने वो ले ली कि चलो कभी कभार बाहर जाओगे सुंदर भी लग लो। सही बात है। थैंक यू बिट्टू। थैंक यू। पहले मैं थोड़े हाइकिंग टाइप के ले रहा था, मम्मा से पूछा मैंने, कहते हैं आपके पास यही पहले ठीक है जब। ठीक किया ठीक किया ठीक किया। सबसे अच्छा गिफ्ट किसको लगा? अरे सबको अच्छा लगा, पर सबसे सरप्राइज किसको हुआ? क्या बात है अरु, हैप्पी? देखो मेरा गिफ्ट, ये क्या है? अच्छा PS4 से महंगे हैं, पर चलो गिफ्ट तो गिफ्ट होते हैं बेटा। अब PS5 अरु खेला करेगा है ना। तो गाइस जहाँ से व्लॉग की स्टार्टिंग की थी वहीं पे व्लॉग की एंडिंग कर रहे हैं, इसी जगह से मैंने स्टार्ट किया था व्लॉग कल। तो अभी घर आ गए, गिफ्ट्स वगैरह सब अनपैकिंग होगी है सारी, और सबको सबके गिफ्ट्स मिल चुके हैं। मम्मी पापा के हैं, मन्नी का है, वो बाद में मिल जाएगा उन लोगों को जब वो मिलेंगे। और अभी मैंने बनाई है चाय, अंश को और अरु को दूंगी फ्रेश जूस, और मैं और अमित पियेंगे चाय। तो अरु की भी छुट्टी मरवा दी, हालांकि आज उसका टेस्ट था वीकली, लेकिन फिर भी हमने कहा कि वीकली क्योंकि रात भर से वो सफ़र कर रहा है। कल आप हम यहाँ से 6 बजे गए थे, और अभी सुबह के मतलब एग्जैक्ट अभी 8:15 हो रखे हैं, तो मतलब हो गया होगा हमें आधा घंटा मैक्सिमम हुआ होगा, तो 8 बजे पहुँचे। तो क्या ही फिर भेजना था, सारा दिन वहाँ पे नींद में दुखी हो जाता। तो चलो इसी के साथ हम करते हैं व्लॉग की एंडिंग। सब खुश रहो, अपना ख्याल रखो, और देखना व्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज जा रहे हम शॉपिंग करने हैं।